हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल चिकन करी की ये रेसिपी। ये चिकन करी का सारा क्रेडिट मेरी मम्मा को जाता है क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखा है। इस चिकन करी में मैंने जितने इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है वो सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है, तो आप इसे एक ट्राई ज़रूर दें और अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। चिकन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन ले लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी दही। तो यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये देखिए मिक्स हो गया है और अब मैं इसे ढक कर एटलीस्ट आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम उसके करी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी तेल। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। मैं यहाँ पर 7 बड़े चम्मच सरसों के तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर चिकन की ग्रेवी में सरसों तेल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप चिकन करी बनाएं तो आप उसे सरसों तेल में ही बनाएं, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। इसके साथ साथ मैं डाल दूंगी 1 तेज पत्ता। इसे हम 1 से 2 सेकंड के लिए कुक कर लेंगे जब तक हमारा जीरा जो है वो भूरा ना हो जाए। तो ये देखिए जीरा का कलर चेंज हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 5 मीडियम साइज के अनियन जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे मैं मिक्स कर लूँगी। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसका कुकिंग प्रोसेस बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर ले और अब मैं इसे ढककर कुक करूँगी ताकि जो हमारा प्याज है वो जल्दी से फ्राई हो जाए। और अब मैं इसका लेड उठाकर देखूंगी। तो ये देखिए हमारा प्याज जो है वो भुन गया है, ये ब्राउन हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक अदरक और लहसुन का कच्चापन चला ना जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 10 से 15 लहसुन की कलियाँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद है तो ना डालें। मुझे इसमें इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज लहसुन और अदरक अच्छी तरह से भुन गया है। इसे भुनने में हमें लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगा है और लो टू मीडियम फ्लेम। आधा घंटा हो गया है और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है और अब हम इस मैरिनेशन से इस चिकन को निकाल लेंगे। और अब मैं इस चिकन के पीसेस को इसमें डाल दूंगी और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखें। और अब मैं इसे ढक कर 5 से 7 मिनट तक कुक करूंगी। बीच बीच में आप इसे मिक्स भी करते रहें, फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखें। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अब हम अपने चिकन को चेक करेंगे। तो इसे इस तरह से मिक्स कर लें। तो ये देखिए चिकन ने अपना पानी रिलीज कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला जो है वो चिकन पे इवनली कोट हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक, स्वाद अनुसार आप नमक डाल दें। ध्यान रहे प्याज को तलते समय भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, तो नमक आप संभाल कर ही डालें। मिक्स कर दें आप इसे अच्छी तरह से, फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखें। और अब मैं इसे कवर करके कुक करूंगी 8 से 10 मिनट के लिए। फ्लेम हम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे और इसे बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। चिकन करी बनाते समय हमें 2 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहला कि हमें प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना है। अगर आप प्याज को अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो आपकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। और दूसरा कि हमें चिकन को फ्राई करते समय ही इसे 80% तक कुक कर लेना है और 20% की कुकिंग जो है वो हम ग्रेवी में करेंगे, तभी हमारी चिकन जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और हमारा चिकन भी 80% तक कुक हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो यहाँ पर मैंने 2.5 ग्लास पानी डाला है। आप पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुतों को पतली ग्रेवी पसंद आती है, बहुतों को गाढ़ी ग्रेवी पसंद आती है, तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और अब मैं इसे कवर करके कुक करूंगी लगभग 5 मिनट के लिए, या नहीं तो तब तक जब तक हमारा चिकन जो है वो पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। 5 मिनट हो गया है और अब हम अपने चिकन को चेक करेंगे। इसे हम एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी चिकन की ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनी है। तो ये देखिए हमारी चिकन करी बिल्कुल बन गई है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर ले। और अब मैं इसे ढक दूंगी और इसका मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे इसकी ग्रेवी और भी गाढ़ी होती जाएगी। और अब मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। इसे मैं हाथ से नहीं तोड़ रही हूँ क्योंकि ये काफी गर्म है, इसीलिए मैं इसे फोक से कट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। और अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारा सिंपल चिकन करी। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।